हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर हमारी जो होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सर जो हमने यूट्यूब लेक्चर्स पे होमवर्क की दिया था, अब उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया था सर, लेक्चर नंबर 35 का पार्ट था, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे जो कि होमवर्क दिया था कौन से लेक्चर में, लेक्चर नंबर 37 में। लेक्चर नंबर 37 में मैंने ये होमवर्क दिया था आप लोगों को। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। परचेज प्राइस दे रखी है 10 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1,50,000, वर्कर्स ट्रेनिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड टू पुट द एसेट टू यूज 50,000, सब्सिडी रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट 50% ऑफ परचेज प्राइस नाउ एंड 10% ऑफ द परचेज प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स 2 लाख नाउ, दैट इज एट द जीरो पीरियड, एंड 1 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 3 लाख विल बी नीडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें जो इस क्वेश्चन की हैं, समझो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब क्वेरीज कुछ क्या आई स्टूडेंट्स की, एक तो पहली चीज कि ये जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस और वर्कर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हैं, इसको हम लोग करेंगे कैपिटलाइज, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि मशीन को ऑर्डर करने से लेकर, किसी भी एसेट को ऑर्डर करने से लेकर उसको यूज करने तक के, स्टार्ट करने तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप लोगों के, वो सब हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टोटल आउटफ्लो है, टोटल जो परचेज प्राइस बनेगी, दैट विल बी 10 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50,000, दैट इज द वर्कर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? सेकंड, सब्सिडी रिसीवेबल, व्हेन वी टॉक अबाउट द सब्सिडी रिसीवेबल, नाउ 50% ऑफ द परचेज प्राइस। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये 50% किसका होगा, 10 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 50,000 का 50% होगा? नहीं सर, क्योंकि जो सब्सिडी मिलेगी वो इसकी मिलेगी, 10 लाख की मिलेगी सर, जो गवर्नमेंट है उसको नहीं पता इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस क्या है, उसको नहीं पता वर्कर की ट्रेनिंग एक्सपेंसेस क्या है, उसको गवर्नमेंट को उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो द गवर्नमेंट इज लीस्ट कंसर्न्ड विद दिस थिंग। सो व्हाट द गवर्नमेंट वांट इज the subsidy is to be paid on the purchase price of the machinery, that is the basic, what is the purchase price, on that it is payable, right? Is that clear? Chalo, subsidy ke baad ab hum log aate hain working capital pe. Sir, working capital wo requirement kehta hai, 2 lakh ki requirement to abhi hai, abhi ka matlab kya hai, zero period pe, theek hai, aur 1 lakh ki kab hai, beginning of the third year. Ab yahan par student ki query aati hai, kya सर हम बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर को एंडिंग ऑफ सेकेंड ईयर क्यों बोलते हैं? मैंने लेक्चर में कहा था, मैंने क्या कहा था, ये आपका है जीरो पीरियड, ठीक है, हम लोग यहां से आगे गए, ये आपका हो गया ईयर वन, एंड ऑफ ईयर वन। सर ये एक पहला साल था, यहां पर आके पहला साल एंड हुआ, ठीक है, यहां पर हम लोग अगर 10% के हिसाब से देखें तो 0.909 लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद अब यहां से फिर ऑपरेशन शुरू हुए, चलते गए सर, हम यहां पर आ गए। अब ये क्या हुआ, दिस इज योर एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है ना। अब बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर कहां होगा? सर यहीं पर तो बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर होगा, यहां से स्टार्ट किया हमने, जब यहां से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो यहां से क्या हुआ, दिस इज बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, हुआ कि नहीं? तो अगर मैं बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर की बजाय एंड ऑफ सेकेंड ईयर लू, स्टूडेंट क्या कहता है, सर हम थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्यों नहीं लेते? मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो लेना है वो ईयर एंड का लेना है। तो बिगनिंग ऑफ ईयर के पास, बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर में क्या आपके पास कोई प्रेजेंट वैल्यू है? सर वो जो एंड ऑफ सेकेंड ईयर की वैल्यू है वही तो है। तो इसलिए अगर बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर दिया गया हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इस चीज पे गलती हम लोगों ने नहीं करनी। किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू कब निकालेंगे? सर अगर आगे जाएंगे तभी तो उसको पीछे खींच के लेके आएंगे ना। आप कह रहे हो कि सर हम लोग जीरो पीरियड में बैठे, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें? नहीं ना, जब तक हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, पहला साल खत्म होगा, यहां पर कोई वैल्यू होगी, इसकी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर जो ऑलरेडी वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालोगे? नहीं ना। तो सर जो बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर है वहां पर आपके पास क्या वैल्यू है? वहां पे जो ईयर सेकेंड के एंड पे वैल्यू थी वही तो वैल्यू है, उसी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन सा लोगे? सेकेंड ईयर का लोगे, ना कि
थर्ड ईयर का, क्लियर है। इसी तरह से एडिशनल इक्विपमेंट के केस में, ठीक है जी। चले अब स्टार्ट करें सर क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। अब इसका हम लोग करते हैं सर सॉल्यूशन। लेक्चर नंबर कौन सा था? रेफरेंस लेक्चर नंबर इज 37, और उसी के बाद आप लोगों को प्लेलिस्ट में ये लेक्चर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो हमारे पास अब क्या है सर, पर्टिकुलर्स प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे हम इसे, ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट एंड देन प्रेजेंट वैल्यू। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी। कौन से पीरियड पे सर? जीरो पीरियड पे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा? वन होगा। और अमाउंट कितनी है? 10 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा सर? 1 × 10 लाख, 10 लाख। उसके बाद इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कब किए सर? जीरो पीरियड पे किए हम लोगों ने। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, कितने? 1,50,000। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आई? 1,50,000। उसके बाद वर्कर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। वर्कर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस कब किए सर? ये भी जीरो पीरियड पे किए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1,50,000 and 50,000। क्लियर है यहां तक? अब अगर आप लोग कहो कि सर क्या हम इसको, ये जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है और जो वर्कर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस है, इनको अलग दिखाने की बजाय हम लोग परचेज प्राइस में ही डाल दें, इट इज ऑलवेज बेटर। कर सकते हो, परचेज प्राइस में भी कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू शो इट सेपरेट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसे सेपरेटली शो करके दिखाया है, तो हम लोग उसको सेपरेटली ही शो करें, राइट? दैट इज ऑलवेज द प्रॉपर प्रेजेंटेशन। उसके बाद मेरे पास आएगा सर माइनस सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, माइनस सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। अब इसमें दो तरह की सब्सिडी है, कौन कौन सी सर? एक तो जो मुझे अभी मिल रही है 50% ऑफ द परचेज प्राइस नाउ। नाउ का मतलब है जीरो पीरियड पे। जीरो पीरियड पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 हुआ, कितनी मिलेगी? 50% ऑफ 10 लाख, दैट इज 5 लाख, ठीक है। और दूसरी सब्सिडी मुझे कब मिलेगी? दूसरी सब्सिडी मिल रही है सर मुझे ईयर 1 पे, कितनी? अब ईयर 1 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है? 0.909, क्योंकि हमारे पास 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, और ये वैल्यू कितनी है? 1 लाख, क्योंकि उसने क्या कहा है? 10% ऑफ सब्सिडी ऑफ 10% ऑफ द परचेज प्राइस, राइट? अब इसमें गलती नहीं करनी, परचेज प्राइस मतलब बेसिक प्राइस, नॉट इंक्लूसिव ऑफ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस एंड द वर्कर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस और एनी अदर एक्सपेंसेस व्हाटसोएवर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आई 90,900 की, और इसके अलावा क्या? उसके बाद मेरे पास आया सर वर्किंग कैपिटल, ऐड करूंगा क्या? वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल भी दो पार्ट्स में है, वो कहता है कुछ वर्किंग कैपिटल तो मुझे अभी चाहिए, जीरो पीरियड पे चाहिए, जिसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा 1, और कितनी चाहिए मुझे अभी? 2 लाख की। वो कहता है कुछ पैसा तो जी मुझे अभी चाहिए, अभी स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी चाहिए। कुछ हमें चाहिए तीसरे साल की बिगनिंग में। मतलब क्या हुआ सर? दूसरे साल के एंड में, सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, राइट? और इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आएगा? 0.826, और वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो ये मेरे पास कितना आया? 82,600। इसके अलावा और मुझे क्या चाहिए जी? इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए सर? इसके अलावा और मेरा होगा एक एडिशनल इक्विपमेंट, एक मेरे पास आएगा एडिशनल इक्विपमेंट। ये भी कब है? बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, दैट मींस द एंडिंग ऑफ सेकेंड ईयर। और हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कब का लेंगे? ईयर एंड का लेंगे, 0.826, और वैल्यू है हमारे पास 3 लाख। दिस कम्स टू 2,47,800।
ठीक है, तो टोटल मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, अब मेरे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दिस कम्स टू 11,39,500, क्लियर है? लो सर, ये रहा आपका पूरा के पूरा सोल्यूशन। मुश्किल नहीं था, सिर्फ मुश्किल ये था कि सर हम लोग कुछ चीजों की इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वर्कर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस नहीं समझ आता हमें। उसके बाद जो दूसरी इंटरप्रिटेशन हम लोग गलत कर रहे थे वो ये कि सर बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर दिया तो हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी थर्ड ईयर का लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा ईयर एंड का लेंगे, और अगर वैल्यू बिगनिंग ऑफ ईयर है तो मतलब पिछले साल का एंड है, तो पिछले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर ईयर के स्टार्टिंग में बैठे हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट, लेक्चर नंबर 37, और ये प्लेलिस्ट में भी लेक्चर नंबर 37 के बाद ही आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इसके साथ ये तो हुआ सर खत्म, अगले लेक्चर्स का हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर एफएम की जो बुक्स हैं उसकी डिलीवरी को लेकर, तो मैं फिर से बता रहा हूं कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं या अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है तो वहां पर डिलीवरीज नहीं हो पाएंगी, अदरवाइज सभी जगह पर डिलीवरीज हो रही हैं, राइट। तो दो एरियाज को छोड़ के कंटेनमेंट जोन है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई लॉकडाउन किया गया, जैसे कि गुवाहाटी में किया गया है असम साइड, और कुछ एरियाज में और भी किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कर रखा है, तो वहां पर नहीं हो पाएगा, वहां पर सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल हैं, ठीक है, आप लोग सॉफ्ट कॉपीज ले सकते हो, राइट। तो ठीक है गाइज, हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में, अगले जितने भी लेक्चर्स के होमवर्क क्वेश्चंस है कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।